तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बना सॉलिडवर्क्स में कि किस तरह से हमने सिंपली इसको बनाया, और इसको बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किया शीट मेटल सरफेस का भी कुछ, और उसके बाद इसको इस तरह से हमने एक्सट्रूड किया हुआ है स्विप बॉस बेस से। तो चलिए देखते हैं इसको बनाकर किस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ले लेते हैं, सबसे पहले राइट प्लेन करते हैं क्लिक, स्केच करते हैं राइट प्लेन पर, और इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पे लाइन, क्रिएट कर देते हैं प्रोफाइल, कुछ इस तरह से इंक्लाइन लाइन लेने के बाद। इसके बाद लेना है हमको यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क, क्लिक करना है इस पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट होगा ये। उसके बाद इस तरह से करेंगे, यहाँ पर लेंगे इसमें डायमेंशन, इसको लेना है यहाँ पर 100, इस पॉइंट को इस पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड लेंगे 5 डायमेंशन। इसको लेना है 50 रेडियस, ये डिस्टेंस होगा 50। इसको ले लेते हैं 6, लाइन को लेंगे और इनक्लाइन इस लाइन को लेंगे, दोनों कर देंगे यहाँ पर 5। इसके बाद इस पॉइंट को लेंगे और यहाँ पर ये पॉइंट लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे देंगे 40। अभी लेंगे ये जो हमारा 3 पॉइंट आर्क है, इसका एक सेंटर पॉइंट है, इसको लेंगे और उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली ये लाइन है इसको लेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देंगे 30। तो सिंपली इतना करने के बाद आएंगे स्केच से बाहर या फिर डायरेक्ट हम फीचर्स में आएंगे और इसको कर देंगे रिवॉल्व बॉस बेस। इसमें एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन लेना है हमको ये वाली लाइन जो कि हमारी वर्टिकल लाइन है। सिंपली इतना करने के बाद लेंगे यहाँ पर फिलेट, इसके बॉटम पर कुछ इस तरह से 15। ओके करते हैं इसको, अगेन लेते हैं फिलेट, इस वाली एज को लेते हैं और अंदर वाली एज को लेते हैं और दे देते हैं 2। ओके करते हैं यहाँ पर, इतना करने के बाद नीचे वाला ये बॉटम फेस लेना है हमको और स्केच पर करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद सिंपली लेना है यहाँ पर सर्कल, क्लिक करते हैं रेड ओरिजिन, इसमें डायमेंशन देते हैं इसको 55। फीचर्स में आते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इसको, तो इसको लेना है सिंपली 35। ओके करते हैं, तो सिंपली ओके करने के बाद यहाँ पे हमको एक जो क्रिएट करना है यहाँ पर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हेलिक्स एंड स्पायरल। तो इसको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे इस फेस पर, उसके बाद स्केच करेंगे, या तो आप यहाँ पर 55 का एक सर्किल क्रिएट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कन्वर्ट एंटिटी पर क्लिक करेंगे और इसकी एज पर करेंगे क्लिक। ओके करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आएंगे स्केच से बाहर, बाहर आने के बाद यहाँ पर आएंगे और लेंगे हेलिक्स एंड स्पायरल, क्लिक करेंगे इस वाली एज को जिसको हमने सिलेक्ट किया है, उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमारा रिवर्स हो जाएगा दूसरी साइड में, और जो पिच का डिस्टेंस है वो हमको यहाँ पर डिक्रीज करना है। तो इस तरह से इसको देखेंगे, यदि आपको प्रॉपर शो करना है तो उसके लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेंगे एक फेस देख लीजिए, तो यहाँ पर अच्छी तरह से विजिबल हो जाएगा। रेवोल्यूशन कर देते हैं इंक्रीज, डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर 8, 3, 9,
तो 8.5 उन्होंने पिच लिया है इसका, रेवोल्यूशन लिया 3.5, क्लॉकवाइज ही हमने रखा हुआ है। तो सिंपली इसके बाद हमको क्या करना है, ओके ओके करने के बाद हमको इसी पॉइंट पर जो हमारा ये वाला पॉइंट क्रिएट हुआ है, इस पॉइंट पर हमको एक सर्कल क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे, प्लेन पर करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद सिंपली ये हमको जो हेलिक्स क्रिएट किया है इसको करेंगे क्लिक। इसके बाद इसका एक पॉइंट है, इसको लेंगे, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको करेंगे स्केच इस वाले प्लेन पर और लेंगे यहाँ पे सर्कल। इस पॉइंट को ये रिलेशन करते हैं डिलीट, ड्रैग करते हैं इधर जो आपको यहाँ पर लाइन शो हो जाए, लाइन लेंगे सर्कल के, शिफ्ट प्रेस करेंगे और सर्कल के इस पॉइंट को लेंगे, दोनों को ये वाला रिलेशन दे देंगे पेयर का। तो इसको देने के बाद क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। एक बार फिर से कंट्रोल एड करते हैं व्यू ओरिएंटेशन के लिए, तो सिंपली इसको थोड़ा करते हैं डिक्रीज, लाइक इसमें डायमेंशन देते हैं अभी 4.8 लेते हैं इसको। तो सिंपली इतना करने के बाद इसके ऐसे आते हैं बाहर, और बाहर आने के बाद इस प्लेन को हाइड कर देते हैं और यहाँ पर हमको लेना है यहाँ पर स्वीप कट सर्कल लेंगे। फर्स्ट सेकंड होगा हमारा ये हेलिक्स, कुछ इस तरह से प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके कर देते हैं इस पर। तो सिंपली ओके करने के बाद इस वाले फेस को अगेन लेंगे, स्केच करेंगे इस पर, यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है इसको लेंगे और कर देंगे इसको हाइड। हाइड करने के बाद ऊपर वाले इस वाले फेस को लेंगे, स्केच करेंगे इस पर। तो यहाँ पे हमको दो सर्कल क्रिएट करने हैं, देखते हैं सर्कल, बीच में लेते हैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन, उसके बाद दोनों सर्कल्स को लेंगे और सेंटर लाइन को लेंगे शिफ्ट के साथ, कर देंगे यहाँ पर सिमेट्रिक। इसके बाद अगेन दोनों सर्कल्स को लेना है शिफ्ट के साथ, इक्वल रिलेशन दे देंगे, ओके इसमें डायमेंशन दे देंगे 35 रखना है हमको। दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं जो कि हमको रखना है 50। अभी ये फुली डिफाइन नहीं हुआ है क्योंकि इसमें हमको एक रिलेशन देना है जो कि एक पॉइंट से ओरिजिन के साथ यहाँ पर ओरिजेंटल होगा। ये दोनों हो चुके हैं फुली डिफाइन, आप देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इतना करने के बाद सिंपली आएंगे फीचर्स में, एक्सट्रूड करेंगे इसको, फाइव लेने के बाद इसको करना है ओके। तो सिंपली ओके करने के बाद यहाँ पे एक हमको प्लेन क्रिएट करना है, क्लिक करना है इस वाले फेस पर, प्लेन ले लेते हैं। तो 55 के डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर ले लिया एक प्लेन जो कि होगा हमारे 55 के डिस्टेंस पर, लेंगे इस वाले यहाँ पर प्लेन को स्केच करेंगे ओरिजिन पर कुछ इस तरह से, इसमें डायमेंशन दे देते हैं 130 हमको लेना है डायमीटर। उसके बाद एग्जिट करते हैं स्केच को, प्लेन को करते हैं यहाँ पर हाइट। सिंपली इतना करने के बाद हमको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको आना है यहाँ पर सरफेस में। यदि आपका सरफेस वाला यहाँ पर शो नहीं हो तो आपको सिंपली क्या करना है कि किसी भी यहाँ पर एक पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद टैब्स में जाना है। तो टैब्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सभी जितने भी ऑप्शन हैं शो हो रहे हैं। तो जैसे कि सरफेस वाला है आपका अनचेक होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी सपोज करिए मुझको इसमें शीट मेटल ऐड करना है, तो मैं शीट मेटल पर जैसे ही ऐड करूंगा, क्लिक करूंगा तो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो और यहाँ पर ही शीट मेटल आ चुका है। अब सेम इसी को यदि मुझको यहाँ से ऐड करना है तो टैब्स में आएंगे, शीट मेटल पर क्लिक, तो यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें सरफेस वाले पर आना है और सरफेस आने
इस पे आने के बाद एक्सट्रूड सरफेस पर करना है क्लिक, इस वाले सर्कल को लेना है और यहाँ पे डिस्टेंस दे देना है ये, तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पर 130। ओके करते हैं। ओके करने के बाद अगेन लेते हैं राइट प्लेन, लेते हैं यहाँ पर लाइन कुछ इस तरह से, और लाइन लेने के बाद अगेन एग्जिट करते हैं, अगेन फ्री यही प्रोसेस। राइट प्लेन, इस बार जो लाइन लेंगे हमने ली थी वर्टिकल, इस बार लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइंस क्यों ले रहे हैं मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। सिंपली इतना करने के बाद इस वाली एज को लेना है जो हमने सरफेस एक्सट्रूड किया है, उसके बाद दोनों कर देना है मेक कोलिनियर। ओके, तो कोलिनियर करने के बाद दोनों को यहाँ पर हमको एग्जिट करना है स्केच से, और एग्जिट करने के बाद सिंपली हमको आना है यहाँ पर, और इस बार जो हमको करना है इसमें वो करना है स्वीप सरफेस। तो स्वीप सरफेस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेंगे दो रेडियो बटन, तो फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट वाला इसमें लेना है हमको, ये सेकंड ले लेते हैं इसको, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है जो कि बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड में होगा ऑप्शंस। तो इसमें ऑप्शंस में हमको आना है कीप नॉर्मल, इसमें हमको लेना है यहाँ पर स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू। तो इतना करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है डिग्री, तो हमको डिग्री की जगह इसमें रेवोल्यूशन सिलेक्ट करना है। तो रेवोल्यूशन सिलेक्ट करने के बाद ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं एक, इससे ये जो लाइन हमने क्रिएट की है इससे नीचे वाली डायरेक्शन है और दूसरी ऊपर वाली, तो ऊपर वाली डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन टू हमको इसमें लेना है, और इस पे रेवोल्यूशन इंक्रीज करते हैं। ओके, तो हमने रेवोल्यूशन दिया इसमें 2.3। ओके करते हैं इसमें अभी के लिए। तो सिंपली ओके करने के बाद आप क्या करना है, सिलेक्ट करना है इन सभी को शिफ्ट के साथ, और इसके बाद आपको अगेन आना है यहाँ पर स्केच में, और स्केच में आने के बाद कन्वर्ट एंटिटी में आप ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे जो एरो दिख रहा है, और इंटरसेक्टिंग कर्व पे करना है आपको क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमारी जो प्रोफाइल है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है आपस में, वहाँ वहाँ पर हमारे स्केच हो चुका है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर सरफेस का यूज़ किया था क्योंकि सरफेस से हमें इजी हो जाता है। तो इसके बाद अगेन लेंगे इनको और दोनों को कर देंगे यहाँ पर हाइड। तो सिंपली हाइड करने के बाद अभी तक ये प्रोफाइल हमारी बन चुकी है, इसमें अभी के लिए इसको कर देते हैं एग्जिट, और इसके बाद हमको लेना है इसमें स्केच के ड्रॉप डाउन में आएंगे 3D स्केच, तो 3D स्केच पर क्लिक करने के बाद इसमें हमको यूज करना है स्प्लाइन का, स्प्लाइन ले लेते हैं और लेते हैं इस पॉइंट को, फर्स्ट इस लाइन पर करते हैं क्लिक, इस पॉइंट को लेंगे और इसके मिड पॉइंट को लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन क्रिएट कर देते हैं सेंटर लाइन, इस पॉइंट से यहाँ तक एग्जिट करते हैं स्केच को, अगेन सेम प्रोसेस 3D स्केच लेंगे, स्प्लाइन लेंगे, इस पॉइंट को लेंगे और उसके बाद इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर सर्कल लाएंगे, कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर हमको एक सेंटर पॉइंट शो होगा, इस पर करेंगे क्लिक, इसके बाद करना है हमको स्किप, अगेन लेंगे यहाँ पर स्प्लाइन, इस पॉइंट को लेंगे और इसके सेंटर पॉइंट को लेंगे शो करने के लिए यहाँ पर लाएंगे। ओके करते हैं, स्किप करते हैं, अभी लेते हैं यहाँ पर ऊपर, इस पे करते हैं क्लिक, इस पॉइंट को लेंगे और इस पे करते हैं, इसके बाद स्किप करते हैं इसको, इसके बाद एक व्यू ले लेते हैं यहाँ पर, करते हैं यहाँ पर क्लिक, और इसके बाद कुछ इस तरह से इसको कर देंगे वर्टिकल, थोड़ा सा इसको लेते हैं इंक्लाइन में,
दोनों करेंगे सिलेक्ट शिफ्ट के साथ, और टेंजेंट सेम एज इट इज, इसको भी दोनों कर देंगे टेंजेंट। उसके बाद इसमें लेंगे हम टॉप व्यू, अब टॉप व्यू से कर देते हैं इसको, टेंजेंट इसको भी कर देते हैं यहाँ पर टेंजेंट। तो एग्जिट करते हैं इस स्केच से, और एग्जिट करने के बाद इस वाले फेस को लेंगे किसी एक फेस को, और यहाँ पे करते हैं हम सर्कल क्रिएट इस पॉइंट पर, इस तरह से इसमें डायमेंशन दे देते हैं इसको 22। एग्जिट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए इतना करने के बाद लेते हैं यहाँ पर फीचर्स में आने के बाद स्वीप बॉस बेस, करते हैं इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद लेते हैं यहाँ पर हम सर्कल को, और इसके बाद लेते हैं यहाँ पर लाइन जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की है इसको। करते हैं ओके। तो ओके करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद हम देखते हैं ये कुछ इस तरह से दिखने लग रहा है, तो कर देते हैं इसको ओके। तो ओके करने के बाद इस वाली प्रोफाइल को कर देते हैं यहाँ पर हाइड, और हाइड करने के बाद ये जो हमारा स्केच दिख रहा है इसको हाइड कर देते हैं, और हाइड करने के बाद सिंपली जो हमने रिवॉल्व किया है इसको लेते हैं, और फिलेट्स दिए हैं इन दोनों को लेने के बाद करते हैं इनको सिलेक्ट। ओके पर लेते हैं इस प्रोफाइल को, अगेन तो सिंपली ऊपर वाला जो हमारा ये प्रोफाइल है इसको लेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इसको लाइटिंग देंगे, लाइटिंग की जो हमारी इसमें टेक्सचर दिए हुए हैं उसमें आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइट इसमें लिखा हुआ है रेडी, और इसमें आप वाइट ओके। तो Ctrl 7 करते हैं इसको, और इस तरह से आप देखेंगे जो हमारी प्रोफाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।